यहाँ पे चलेगी बोट यार यहाँ से। भैया आप चलाओगे? लाइसेंस है आपके पास? है, बिना लाइसेंस के चलाते हैं? पापा के पास है। अच्छा पापा के पास है, अच्छा सही है। सो गाइज, हमारी गाड़ी आ गई है और आज हम जाएंगे कैलाश पर्वत और वहां पर आपको दिखाते हैं इंडियन खाना में क्या क्या है और कैसा है। सो गाइज, हम कैलाश पर्वत आ गए और ये है दुबई में अलसीफ के पास, अलसीफ क्रीक जो है। तो देख रहे हो गाइज लोकेशन क्या प्यारी है यार, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सुकून है यहाँ पर। तो यहाँ हम आए हैं, अभी देखते हैं, यहाँ पे तो बहुत भीड़ लग रही है, तो हम यहाँ से खाएंगे या फिर कोई आगे नया खुला है वहाँ से खाएंगे, तो आपको दिखा रहे थे सब कुछ। तो पहले एक राउंड आगे मार कर आते हैं फिर वापस आएंगे, ठीक है? चलो। मज़ा आ रहा है आपको दुबई घूमने में कि नहीं, सच सच बताना यार। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, एक एक जगह जा जा के आपको स्पेशली दिखा रहे हैं, स्पेशली। सो ये है दुबई, वहाँ देखो बोट जा रही है इस बोट। एक बार आपको दिखाएंगे उस बोट पे भी ना, रेस्टोरेंट टाइप है, खाना पीना होता है और घुमाते हैं, तो वहाँ पे भी एक दिन चलेंगे तो आपको वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बस आपसे एक ही दरख्वास्त है कि लाइक कर दिया करो यार, बिकॉज तुम तो दरअसल मेरा सपोर्ट सिस्टम हो। नो, थैंक यू। सो गाइस, हाउ मच फॉर बोट राइड बाय द वे? बोट राइड करने 100 फॉर 10 मिनट्स, हाउ मच? आपका ना 10 मिनट्स, या फॉर 10 मिनट्स हाउ मच? नो फॉर 10 मिनट, ओनली हाफ आवर, ओनली हाफ आवर, वी गेट बोर्ड हाफ आवर हियर देयर। 50 दिन में करो तो करें, 50 दिन में नहीं होगा, नहीं होगा, अपना भी नहीं हो पाएगा सारे। नो नो, थैंक यू। सो गाइज, ये बोट राइड थी, 100 दिरहम बोला था, 100 दिरहम में आधा घंटा, बस आधा घंटा पानी में करेंगे क्या हैं? आधा घंटे पे कहाँ जाएंगे? पर घुमाएंगे ना पूरा, उधर तक घुमाते हैं सर, यहाँ से जाएंगे चेक्का मरियम पैलेस, वो पूरा घुमा के लाएंगे, चला घूम जाते हैं, चला दिखा खराब करो बेवकूफ। अरे उसमें ज़्यादा मज़ा था, इसमें तो हम, अरे क्रीक से पकड़ लेंगे ना वाली बस, अरे संगम बस। सो गाइज, हम अब जा रहे हैं बोट में घूमने और बोट राइड पे, सो लेट्स गो। हाँ अच्छा, आधा घंटा, आधा घंटे की सजा दे दो हमें ना। सो गाइस, बोट राइड पे जा रहे हैं, फुल टाइटैनिक वाला पोज देंगे वहाँ। ओ ये वाली अच्छी है, ये भी अच्छी है। यार शौंगा दिन में आते, छोड़ो शौंगा अभी रहने देते हैं किस दिन। अरे यार, सो गाइस ये है बोट और ओ वाओ, बहुत मजे। सो गाइस, लाइटिंग तो ठीक ही होगी शायद, रख देते हैं। सो अंदर भी जा सकते हैं हम? सो गाइस ये है, यहाँ पे चलेगी बोट यार यहाँ से। भैया आप चलाओगे? लाइसेंस है आपके पास? है, बिना लाइसेंस के चलाते हैं? पापा के पास है। अच्छा पापा के पास है, अच्छा सही है। सो गाइस ये देखो, अंदर आके देखो ना क्या क्या है यहाँ पर। मैं पहली बार बोट के अंदर आया हूँ। वो ब्रेक होती है क्या, गियर है वो? इसमें ब्रेक नहीं है। अच्छा ब्रेक ही नहीं होती, सो भगवान भरोसे चलेंगे हम। और पीछे भी है गाइस यहाँ पे काफी, वाओ। ओके, माइंड योर हेड लगेगा ऊपर। तो गाइस वो देखो पीछे, भैया भी बैक कर रहे हैं बैक, और भैया गिर गए तो बचा लोगे ना आप हमें? चलो ठीक है। सो गाइस ये हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, आपसे ज़्यादा आपको सब दिखाएंगे। वो देखो यहाँ से वो बिल्डिंग दिख रही है पास से। चलो आगे चलते हैं वापस, सबसे आगे चलते हैं। सो आ गए हैं, अभी रिवर्स हो रही है बोट। अच्छा यार, ये हमें आधे घंटे की सजा देने के लाए हैं, मुक्के मार। सो गाइस पूरी बैग हो गई, अब आगे चल पड़ी है।
जिंदगी के इसमें अच्छे से मजे लोगे। अब यहाँ पर सुकून भरा सफ़र शुरू होता है, सिर्फ हवा में जाएंगे हम। और ओ क्या मस्त हवा लग रही है भाई साहब, मतलब मज़ा तो आ रहा है। चलो शौंग जंप मारते हैं। स्विमिंग आती है किसी को? स्विमिंग आती है किसी को? नहीं आती। होय 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 क्या मस्त, बहुत मजे। इसी में ले लिया मैंने ऐसी फोटो। ठीक है यार, बट आधा घंटा हम करेंगे क्या? अब फोटो खींचते रहो, थोड़ी देर के लिए बंद कर देते गाइस, फोटोज लेते हैं फिर आपको दोबारा मिलते हैं। ठीक है नज़ारे ये है। सो गाइस हमारे आधे घंटे ख़त्म होते हुए और हम बैक टू पवेलियन आते हुए, और अब हम वहाँ खड़े हो जाएंगे। और अंकल ने लंगर डाल दिया, डाल दिया लंगर क्वीन। नहीं अभी डालेंगे। अच्छा लंगर नहीं डालते, ये कहीं से बांधना तो पड़ेगा ही, उस पर बांध देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो कह रही थी वो टेक लो। अरे नहीं नहीं शौंगा के साथ लेंगे। सो गाइस अब अंकल इसे बांध देंगे, देखते कैसे बांधते हैं। ये खुल गया उनका गेट, उसमें बांधेंगे। अच्छा आगे बांध देंगे, बस हो गया। अंकल ने उसमें लगने से बचा लिया, धक्का दे दिया ताकि खुद ही सीधी हो जाए। सो गाइस हम आ गए अपने स्टॉप पे। इट वाज सो फन, इसने बहुत सारे वीडियो बनाई और इसने मेरी बहुत बेकार बेकार फोटो खींची। सो ये था वहां से उतरना, खींचे थे चलिए यहीं से चढ़े थे क्या? ये बॉल क्या होती है? अच्छा अच्छा बचाने के लिए, वरना डंट पड़ जाता है। ये थी गाइस बॉल, वो आपको देख रहे हैं। अरे हाँ बैग रह गया। हाँ 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 चलो शुक्रिया। हाँ वो तो कोई कुछ नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। सो गाइस हम वापस आ गए। सो गाइस हमने बोट की सवारी कर ली, बच गया अभी तो 30,000 का नुकसान पड़ जाता। सो गाइस क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं, देखो जरा नीचे खाली है सब, वो तो अच्छा है इस पे गिर के पैर पे लग गया मेरे। सो गाइस मज़ा आया बोट राइड में, बहुत बहुत मज़ा आया। और आधे घंटे पता ही नहीं चले कब ख़त्म हो गए, तो फिर मज़ेदार था। बाकी आपको और आगे दिखाते हैं जहाँ जाने के लिए आए थे। था नहीं यहाँ जाने का, बट इन महाशय की वजह से हम राइड लेके आ गए, बहुत मज़ेदार। और हमने सोचा नहीं था कि वहाँ जाएंगे, हम तो सोचते थे कि कोई जगह देखते खाने की, बट हमारा प्लान बन गया बोट राइड का। हमारा नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं है ये कब क्या कराते हैं। तो मजा बहुत मजा आया। अब आगे चलते हैं जहाँ हम जा रहे थे, है ना? फिर हम जा कर रहे थे खाने। हाँ खाने। सो गाइस हम घूम फिर के वापस आ गए हैं कैलाश पर्वत पे। इसकी बहुत सारी ब्रांच है इंडिया में भी, तो यहाँ वाली हम पहली बार ट्राई करेंगे। वैसे इंडिया में ही मैं कभी गया नहीं हूँ, तो फर्स्ट टाइम ही है मेरा। सो लेट्स गो और बताते कैसा है यहाँ का सब कुछ। हाँ नाम बहुत सुना है यहाँ पर आकर, इंडिया में नहीं सुना मैंने नाम। हाँ तुमने सुना है क्या? हाँ कहाँ सुना है? इंडिया में सुना है तुम्हारी का? मैं तो ऊपर चल के ही लेते हैं। सो गाइस हम अंदर आ गए और ये पूरा इंडियन रेस्टोरेंट है, ज़्यादातर लोग इंडियन ही हैं और यहाँ का खाना भी
ज़्यादातर इंडियन है और बहुत टेस्टी है। तो अब हम ऊपर जा रहे थे क्योंकि ऊपर से अच्छा व्यू आता है, इसलिए हम ऊपर आ गए, क्योंकि नीचे से तो सिर्फ नॉर्मल दिखता है, ऊपर से अच्छा दिखता है पूरा पानी वानी सब। तो हम ऊपर जा रहे थे बट अफसोस हमें वहाँ पर कोई सीट नहीं मिली, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एक पार्टी हो रही थी जो ये चल रही है, और इनके बहुत सारे गेस्ट थे और बाहर भी पूरा सब बिज़ी था। तो हमने वेट किया 5 मिनट कि हमें कुछ मिल जाए, बट कुछ नहीं मिला। तो हमने वेट करने से सोचा कि साइड में ही अपना बैठ जाते हैं, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी, 11 बजने वाले थे, फिर घर भी आना था। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, कहीं भी बैठ जाते क्योंकि जगह नहीं मिल रही थी। तो हम साइड में बैठे सबसे, और यहाँ की चेयर्स मुझे काफ़ी यूनिक लगी, बहुत बड़ी चेयर्स थी। तो हम आ गए, हमको एक कॉर्नर मिल गया था, तो एक सीट है इतनी बड़ी गाइस, इतनी बड़ी एक सीट पर मैं बैठा, मेरी पीठ भी पीछे तक नहीं पहुंच रही थी। फिर वो बाद में कुशन्स ला के दिए उन्होंने, बट बहुत ही बड़ी सीट्स थी, नॉर्मल सीट से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। इतनी बड़ी सीट्स होती हैं क्या? आप बैठे हो इतनी बड़ी सीट्स में तो ज़रूर बताना। तो मैं आगे होके बैठा ताकि खाना खा सकूँ सही से, वरना कौन खा पाता इतनी दूर से बैठे बैठे। तो ये हमारा आ गया है स्टार्टर, जो कि बहुत ही बेकार लगा मेरे को। बाकी फिर ड्रिंक आई, मुझे लगा वो नींबू पानी है, मैंने मोहितो मंगाया था, तो ये मेरा मोहितो वहाँ जा रहा था और वो नींबू पानी, फिर मुझे पता चला कि वो नींबू पानी है। तो फिर ये मेरा मोहितो मेरे को मिल गया, और उनको नींबू पानी उनका मिल गया। तो गाइस इसकी ग्लास बड़ी यूनिक लगी मेरे को, गुस्से में घूरती हुई बढ़िया था। और स्टार्टर्स इतना खास नहीं था, स्टार्टर्स को अगर मैं रेटिंग दूँ तो मैं 10 में से 3 दूँगा, क्योंकि उसके मशरूम्स भी इतने अच्छे नहीं लगे, पनीर भी इतना अच्छा नहीं लगा, बट जो खाना था वो ज़बरदस्त था। जो हमारी दाल मखनी मंगाई थी हमने, बहुत टेस्टी थी, और रोटी भी बहुत अच्छी थी, मतलब मज़ा आ गया खाकर, तो मतलब पूरी इंडिया की याद आ गई। बाकी तो हमने फुल इन्जॉय किया, गाने बहुत अच्छे बज रहे थे, मैंने इसलिए वॉइस ओवर डाला, क्योंकि गानों की वजह से कॉपीराइट लगता, तो हमने सोचा कि वॉइस ओवर डाला जाए, और अगर आपको खाना है ऐसा खाना तो ज़रूर यहाँ आया जाए, बेस्ट है ये। सो गाइज हमने फाइनली सारा खाना खा लिया, बहुत अच्छा खाना था, फलूदा मस्ट ट्राई, अगर आओ यहाँ पर तो फलूदा ज़रूर खाना, और ड्रिंक्स बहुत अच्छी थी, खाना सारी अच्छा था। प्लेटर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बट वो बहुत अच्छा था, मेन कोर्स वगैरह एवरीथिंग बहुत अच्छा था। और ये है हमारा बिल, मैं वहाँ से बिल भी उठा लाया, और ये सिर्फ आया 354 रुपये, बस 354, देख लो एक बार 354 आया है, लेकिन ये रुपये नहीं है, ये रुपये नहीं है, इसको इंटू 23 कर देना तो आपको पता चल जाएगा कितने रुपीज़ आया है, 8,000 के अप्रॉक्स मान लो, तो इतने का हमने खा लिया। तो देख रहे हो गाइस, बस 300 रुपये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, और है कितना ज़्यादा। तो ठीक है, मज़ा आया ऑल एंड ऑल, बहुत अच्छा खाना था, आप ज़रूर आना, यहाँ आना तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत मस्त है। तो एटलीस्ट एक बार तो आओ, गाने थे और यहाँ के गाने ही बहुत अच्छे थे, बिकॉज इट्स अ इंडियन रेस्टोरेंट। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर बहुत मज़ा आया, अगर आप भी आओ तो ज़रूर बताना कमेंट में, और ऐसी वीडियो पे प्यार सपोर्ट बनाए रखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और उस लाल बटन को तोड़ देना, फोड़ देना, नींबू की तरह निचोड़ देना, कर देना गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।